हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक कुछ डेली लाइफ के काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, या यूं कहें मेंटली मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ काम जैसे कि रोज ब्रश करना, मुंह धोना, खाना पीना एटसेट्रा। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भी कोई बहुत बड़े काम हैं जिनके लिए मेहनत लगे, लेकिन क्या आपको याद है कि ये काम आपने सीखे कब और इतनी गहराई से आपके दिमाग में कैसे बैठे हैं? क्या आप आंख बंद करके भी ये काम कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से पूछिए कि क्या आप आंख बंद करके टाइपिंग कर सकते हैं? हाँ, बहुत से लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। उनकी उंगलियों को पता है कि बोर्ड पर कौन से वर्ड का बटन कहाँ है। ये लोग ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। वैभव कहता है, हाँ तो आप पूछ रहे थे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। नितिन कहता है, हाँ। वैभव आगे बताता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट्स ने हमारे माइंड को दो हिस्सों में बांटा है, जिसमें से एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। जो हम रोज या कई बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और इन कामों को दोहराने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब हमें कोई नया काम करना होता है तो हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कई साइंटिस्ट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को काबू में करके हम अपनी लाइफ को कैसे आसान बना सकते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम किसी काम को करते हैं तब हम उसे बहुत ध्यान से और पेशेंस के साथ करते हैं, क्योंकि उसे करने की हमारी हैबिट नहीं होती है ना। तो इस वर्क को करते समय जिस दिमाग का यूज होता है उसे कॉन्शियस माइंड या एक्टिव माइंड भी कहते हैं। हैरानी वाली बात है कि कॉन्शियस माइंड पूरे दिमाग का सिर्फ 10% ही होता है। इस माइंड से हम कोई भी काम ध्यान लगाकर करते हैं। किसी भी चीज की इच्छा सबसे पहले कॉन्शियस माइंड में ही शुरू होती है। ये मान लीजिए कि हमारी विल पावर, डीप थिंकिंग, इस टाइप के वर्क को कॉन्शियस माइंड ही करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% पार्ट होता है। जब किसी काम को करते हुए हमारी आदत बन जाती है और उस काम को करने में हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। इस दिमाग में फीलिंग्स, ट्रस्ट, इमोशंस, हैबिट्स, इमेजिनेशन, डिफेंसिव प्रोसेस और आंसर करने की पावर रहती है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। ये हमारे विश्वास को हकीकत में बदलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी माइंड पर वर्क करता है। इसे नहीं पता होता कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव। ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड द्वारा दिए गए निर्देशों को धीरे धीरे स्टोर करने लगता है। जब हम पहली बार खाना बनाते हैं तो बहुत ध्यान से सोच समझ कर सीखते हैं, लेकिन जब हमें इसकी आदत हो जाती है तो हम बहुत आराम से किसी से बात करते हुए खाना बना लेते हैं। या जब आप कोई गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आपके हाथ अपने आप ही क्लच और एक्सेलरेटर पर बिना किसी डर के उसे चलाने लगते हैं। कोई बात या काम जब हम अक्सर या डेली करने लगते हैं और वो ट्रस्ट और हैबिट बनने लगती है, तब वो कॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे सबकॉन्शियस में जाने लगती है। और फिर कॉन्शियस माइंड जैसे ही कोई थॉट सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत रिएक्ट करता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखनी है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ी को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो एक पंख यानी कि फेदर को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इन सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं, आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है,
दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की टेक्निक को समझ गए हैं तो आप मेहनत नहीं करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज का मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, जो भी चाहे बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतने अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस समरी को अंत तक समझेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करने में मास्टर बन जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि जो भी आप एक पेपर पर लिखेंगे वो काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और करियर में, लाइफ में कमजोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। नितिन कहता है, सच में ये सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है? अच्छा वैभव, सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं? वैभव कहता है, हाँ, यानी एक तरह से हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जगाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। वहीं कई लोगों का सबकॉन्शियस माइंड उनके हिसाब से चलता है। कुछ लोग बिना अलार्म के नहीं उठ पाते क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये आदत पता है। कुछ लोग बिना अलार्म के उठ जाते हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो चुकी है। दरअसल सबकॉन्शियस माइंड जिसे रियलिटी मान लेता है फिर वैसा ही रिजल्ट दिखाता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव हैबिट्स और इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करनी चाहिए, फिर वैसी ही हकीकत बनेगी। यदि आप सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी को निकालना चाहते हैं तो मुश्किल है, समय लगता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड हमारे 5 senses से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसला लेता है, पर सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताओं, एक्सपीरियंसेस और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए सब कुछ एक्सेसिबल है, यानी कि सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ सकता है और सबकॉन्शियस माइंड कहीं भी जा सकता है अपनी पावर का यूज करके। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है, जो ऑर्डर देता है कि कहां जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कॉम्पिटिशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फेयर से फेल भी हो चुकी थी, तो उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मैं स्टेज पर अपना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका रिजल्ट ये रहा कि उस औरत को कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं करता, पर उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हैं, उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। मैं आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहा हूं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरैक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देने होंगे। हम आपको इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक इंटरनल वर्ल्ड और एक एक्सटर्नल वर्ल्ड।
इंटरनल वर्ल्ड उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ और। हम सबने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है इंटरनल वर्ल्ड। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल, ऑफिस आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है और बहुत कुछ। और जो लोग अपने इंटरनल वर्ल्ड और अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। वो लोग सातवें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुकिए, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वो 24/7 आपके लिए काम करता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी सोल समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकता है, इसी वक्त। हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। हमने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज करते हैं, क्या आप जानते हैं? एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स आसानी से किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए, पर फिर भी ये चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं और सभी डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। और कई डॉक्टर्स का तो ये मानना था कि वो बस कुछ ही दिन जिंदा रहने वाला है। लेकिन वो जो आदमी है, उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो दिन रात बस उस एक थॉट को अपने मन में कहते रहता। वो इमेजिनेशन में खुद को देखता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स और उसकी पॉजिटिव इंटेंशंस साफ थी, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद पैरों पे चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पे चला। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आप भी एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर आप वो जान लें तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद, क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधे आपके सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हो, तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस यूनिवर्स जैसे खजाने से आपके लिए कुछ भी ला सकता है, और प्रार्थना यानी प्रेयर इस गोडाउन की मास्टर की है। इस ब्रह्मांड के स्टोर हाउस से हमारे लिए कुछ भी ला सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को बदलना हमारी हकीकत को बदल देता है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ सेंसेस द्वारा भेजे गए डायरेक्शन या इन्फॉर्मेशन को समझता है। अगर हम ये बात अच्छे से समझ लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी बातों को यूनिवर्स तक आसानी से पहुंचा सकता है, तो कहीं ना कहीं हम प्रेयर को इफेक्टिवली कर पाएंगे। अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी।